दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन लव राशिफल जुलाई 2021। जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, उनके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, लव लाइफ, मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों लव राशिफल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारा लव राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं जुलाई महीने का आपका लव राशिफल। जुलाई के महीने में 5 परिवर्तन होंगे 4 ग्रहों के। बुध का परिवर्तन 2 बार होगा, ये परिवर्तन है 7 जुलाई को बुध परिवर्तन करके मिथुन में जाएगा वृषभ से निकल करके। दूसरा परिवर्तन बुध का होगा 25 जुलाई को, ये मिथुन से निकल करके कर्क में आएंगे। और तीसरा परिवर्तन है सूर्य का, जो हर महीने होता है 16 जुलाई को सूर्य कर्क में आएंगे। और चौथा परिवर्तन जो है वो है शुक्र का, 17 जुलाई को ये कर्क से निकल करके सिंह में जाएंगे। और पाँचवा परिवर्तन जो बेहद खास है मंगल, मंगल का परिवर्तन जो है वो 20 जुलाई को होगा और मंगल का परिवर्तन 20 जुलाई को परिवर्तित होकर के नीच राशि को छोड़कर के सिंह राशि में जाएंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनाएंगे और क्या आपकी लव लाइफ बताती है, आपके लिए क्या दर्शाती है। मीन राशि वालों, हम इस राशिफल में चर्चा करते हैं उनकी जो सिंगल हैं, जो लव लाइफ में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मैरिड लाइफ में, दाम्पत्य जीवन और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, उनके सभी के बारे में चर्चा करते हैं। अब जो लोग लिव इन में रहते हैं उनके बारे में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होता है, वो भी चर्चा उसमें हो जाती है। और आपके लिए हम 3 राशियों के नाम बताते हैं। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, समझ लीजिए कि आपका पूरा महीना अच्छा जाएगा। लेकिन यकीन मानिए ये महीना आपके लिए कुछ बड़ी प्रॉब्लम शुरुआत में ही लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनकी। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए 1 से 7 जुलाई बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ बनेंगी किसी के साथ में, दोस्ती के दोस्त हैं वहाँ पर दोस्ती टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बहस होगी, गलत फहमियाँ हो जाएंगी। किसी के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, कोई पसंद है, उसके साथ में रिश्ता बिगड़ जाएगा गलत फहमियों की वजह से। 7 जुलाई तक रिश्ता बिगड़ चुका है, 7 जुलाई के बाद में पूरे महीने कन्फ्यूजन में ही बीतेगा, कन्फ्यूज रहें। अब बात कर लेते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है लव लाइफ में, उनके लिए लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी तो बहुत अधिक मात्रा में ये स्थिति बनेगी कि एक तो चिड़चिड़ापन बहुत अधिक आएगा मंगल की वजह से, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे आप। 20 जुलाई तक चिड़चिड़ापन, झगड़े, कलह लव लाइफ में पूरी तरह से, ऐसी स्थिति कि एक दूसरे को पूरी तरह से नफरत करने लगें, ऐसी स्थिति बन जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा कलह, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा झगड़ा जिससे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को डिप्रेशन में जाना पड़े, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। 20 जुलाई तक शुक्र वहाँ पर है तो कुछ शर्तों की वजह से डिप्रेशन में जाएंगे, ईगो और शर्त दोनों अकड़ के साथ में, शर्तों के साथ में जब चलना चाहेंगे तो वो शर्तें कोई किसी की नहीं मानेगा, इस वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं, अभी वर्तमान में भी बढ़ रही हैं। लेकिन नो कॉन्टैक्ट की स्थिति कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि बहुत अधिक मात्रा में आपको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और आप नो कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे। बुध का परिवर्तन होगा तो बुध आपके लिए कॉन्टैक्ट की स्थिति बनाएगा, तो विशेष रूप से 25 जुलाई के बाद में ही बना पाएगा, उससे पहले कॉन्टैक्ट होने की स्थिति नहीं बन रही है। अब अगर बनती भी है तो बहुत ही झगड़ालू और 2 मिनट झगड़ा होकर के फिर से नो कॉन्टैक्ट हो जाए, वो स्थिति बन रही है उससे पहले 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में, मतलब उसमें भी कहीं से स्थिति अच्छी नहीं है। अब देखा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में आपकी वही लव लाइफ और ज़्यादा बिगड़ रही है, क्योंकि लव लाइफ में परेशानियां तो चल ही रही हैं, गुस्सा तो उनका है ही, नाजायज झगड़े तो हैं ही, लेकिन अचानक से थर्ड पार्टी जो धीरे धीरे आ रही थी अब अचानक से उजागर हो जाएगी, उनका भेद खुल जाएगा कि वो आपके साथ में क्यों झगड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई और पसंद आ गया है। थर्ड पार्टी षष्ठम भाव में मंगल के कारण एकदम आपके साथ में उसके रिलेशन ऐसे हों, कुछ जान पहचान का व्यक्ति हो, इसलिए पता और चल जाए, तो 20 जुलाई के बाद में थर्ड पार्टी ज़्यादा स्थिति नज़र दिखेगी। मैरिड लाइफ में भी ये प्रॉब्लम होगी, मैरिड लाइफ भी खराब होगी, लेकिन मैरिड लाइफ में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी लव लाइफ में होंगी। और विशेष रूप से कहीं घूमने फिरने जाते हैं वहाँ पर कहीं दिक्कत ज़्यादा ही परेशान कर सकती है। और आपके लिए एक चीज़ और है,
कि शुक्र का जैसे ही परिवर्तन होगा 17 जुलाई से, तो ये थर्ड पार्टी के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं। 17 जुलाई से ये शुक्र आ जाएंगे तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा किसी के साथ में, लेकिन फिर 20 जुलाई से ये मंगल और शुक्र का योग फिजिकल रिलेशन को भी दर्शा देता है, तो 20 जुलाई के 25 जुलाई के बीच में फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इससे आपको ये पता भी लग सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचे आपको। और आपके लिए ये भी है कि मैरिड लाइफ में आपके जो थर्ड पार्टी है वो आपके मैरिड लाइफ को ख़राब कर दे और आपके पार्टनर को आपसे छीन ले जाए, आपसे एकदम से अलग कर दे, मतलब एक तरह से आपको पूरी तरह से आपका महीना जो है पूरी तरह से थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है लव लाइफ मैरिड लाइफ में। विशेष रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां काफ़ी ठीक रहेंगी, लेकिन यहां पर शुक्र के कारण 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में 17, 18, 19, 20 ये चार दिन आपको सावधान रहना होगा बहुत ज़्यादा। इसमें आप परेशान हो जाएंगे, आपके जो पार्टनर हैं वो अपने कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में इन्वॉल्व होने लगे, और आपके रिलेशन में आप बिल्कुल भी एक दूसरे को इग्नोर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। इग्नोर करते हैं तो परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो यह पूरा आपका लव राशिफल कहता है ये लव लाइफ आपकी ऐसे रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि वो तीन लकी राशियाँ कौन सी हैं जिनके साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वो तीन लकी राशियाँ हैं, नंबर वन मेष राशि। मेष राशि के साथ में इस महीने आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के साथ में भी संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तीसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि के साथ में भी संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, अगर इन तीन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो। तो यह थी दोस्तों आपकी लव लाइफ, आपके जुलाई मंथ की लव लाइफ पूरा लव राशिफल बताया आपको। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।